कार। नमस्कार नमस्कार, गुड गुड आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत आभार आप लोगों का, और धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद है कि आपने अपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मुझे जैसे अकिंचन को व्याख्यान के लिए बुलाया। ये मेरे लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं आपके कुलपति आप महोदय विशेषज्ञ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, डॉक्टर हिमांशु जी प्रारंभ करते हैं तो आप बताइए 2 मिनट। मैम वीसी सर जुड़ रहे हैं क्या 2 मिनट के लिए, शुभेच्छा के लिए? हाँ बोला था बोल, इसको। हाँ वीसी सर को जोड़ लीजिए आप, शुभेच्छा देने के बाद हम शुरू कर देंगे। तब तक बच्चे वो ऊपर संजय से बोलना, वो जोड़ने के लिए बोल दो थोड़ी देर के लिए। बच्चों को ऐड करते जाओ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? डॉक्टर हिमांशु जी, कार्य परिषद की मीटिंग चल रही है ना, तो सर ने कहा था कि मैं अपने आप बीच में आ जाऊंगा, तो फिर भी हमने वहां संदेशा भेजा है। हाँ, संदेशा भेजा है, यदि वो आ जाते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है मैम, ठीक जी, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर व्यस्त होंगे तो फिर हम लोग शुरू कर देंगे। हाँ, वो बीच में कल भी ऐसा हुआ था कि बीच में वो आ जैसे ही फ्री हुए तो आ गए थे बीच में। ठीक है, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें कुछ देर के लिए, और माइक म्यूट रखिएगा, वीडियो ऑन कर लें सभी बच्चे। हेलो, इसमें आवाज नहीं आ रही जी मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ प्रारंभ कर सकते हैं हम, है ना? वीसी सर से बात हो गई क्या आपकी? अच्छा बीच में आएंगे, ठीक है मैम, हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी उनका अभी संदेशा आ गया कि मीटिंग चल रही है। अभी मैंने ऊपर संदेशा भेजा था तो ठीक मीटिंग चल रही है, तो आ जाते हैं तो है, बहुत आप ही अच्छा औपचारिक शुरुआत रहता। कर दीजिए, फिर मैं शुरू कर देता हूँ जी। सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन। आवाज आ रही मेरी? जी मैम, जी आ आ रही, आ रही आवाज। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ये द्विदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कल हमारे साथ गायन, स्वरवाद्य, चित्रकला, मूर्तिकला तथा भरतनाट्यम के विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे। और आज हमारा जो द्वितीय सत्र या द्वितीय पुष्प है, उसमें हमारे साथ बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित
नाट्यम रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार श्री ललित पोखरिया जी लखनऊ से जुड़े हुए ऑनलाइन के माध्यम से, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। वो आज अपने इतने व्यस्ततम समय में हमारे बीच ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। ये जो हमारे राष्ट्रीय व्याख्यान माला का जो विषय है वो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय कला एवं संस्कृति की उपादेयता, संदर्भ नाट्य रंगमंच आज का विषय है, द यूटिलिटी ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रेफरेंस टू बच्चे नाट्य थिएटर। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी कुछ व्यस्तताओं के कारण अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जल्द ही वो हमारे बीच आएंगे। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे कुल सचिव जी जो कि हमें हमेशा जो भी वित्तीय परेशानी होती है उससे हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे कर्मठ और बहुत ही होनहार विभागाध्यक्ष नाट्यम रंगमंच के, जो कि आप देखते लगातार जुड़े रहते हैं, उनके नाटक लगातार मैं देखती रहती हूँ, चलते रहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या और किसी भी भाषा में हो, और बहुत ही, और वो मैंने, मुझे अच्छा लगता है वो संगीत के भी बहुत गाता है, अच्छा गाते भी है बहुत, मैंने सुना है उनको। तो ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ है लेकिन हमारे हमसे छोटे हैं तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज आपने आपके जो मार्गदर्शक या विषय विशेषज्ञ जुड़े हैं उनके साथ हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। हमारे साथ यहाँ ग्वालियर के वरिष्ठ रंगकर्मी अशोक आनंद जी जुड़े हैं, शायद प्रदीप दीक्षित जी और भी जितने रंगमंच के कलाकार जुड़े हुए हैं सभी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। जितने विश्वविद्यालय से प्रोफेसर गण जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर गण तथा विद्यार्थी शोधार्थी सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे जो विभागाध्यक्ष नाट्यम रंगमंच के हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे जो आज विषय विशेषज्ञ है उनको आमंत्रित करें, उनका परिचय दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का ये 2 दिवसीय सेमिनार आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, कुल सचिव श्री दिनेश पाठक जी एवं संपूर्ण इस आयोजन की कर्ता धर्ता और सांस्कृतिक समन्वय समिति की अध्यक्षा प्रोफेसर रंजना टोडपी मैम, आपका दिल से बहुत आभार, और आपने जो उत्साहवर्धन किया उसके लिए भी बहुत आभार। इसी के साथ हमारे ग्वालियर के बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी गण भी जुड़े हुए हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनका प्रेम हमें सदैव प्राप्त होता है। परम आदरणीय भाई साहब अशोक आनंद जी, अपने प्रदीप दीक्षित भाई साहब एवं साथ में मैं नवील भाई को भी देख रहा हूँ स्क्रीन पर, जो जो मुझे दिख रहे हैं। तो हमारे रंगकर्मी जो विद्यार्थी हैं वो तो जुड़े ही हैं, और ग्वालियर के प्रबुद्ध रंगकर्मी लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ कि ये सेमिनार है, इस सेमिनार के स्वरूप में विश्व रंगमंच दिवस हमारा 27 मार्च को हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया था, और 1 माह तक हम ये पूरी श्रृंखला कर रहे हैं। प्रथम दिन हमने रंग संगीत की प्रस्तुति दी थी नाट्य विभाग में, और उस दिन हमारे बीच उपस्थित हुए थे पद्मश्री राम साहेब पांडे जी, जो बहुत राय के प्रख्यात नर्तक हैं, और उनके सुपुत्र श्री संतोष पांडे जी, जो वरिष्ठ सुहांग कलाकार हैं। तो प्रथम दिन वो रहा, और द्वितीय दिवस हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, उसमें व्याख्यान शिक्षा में रंगमंच, ये रहा, और साथ में बच्चों ने नाटक की प्रस्तुति भी की, लघु नाटिका। और आज 3रा दिवस है जिसमें हमारे बीच प्रख्यात रंगकर्मी, वरिष्ठ रंग निर्देशक, कला मर्मज्ञ रंगमंच में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे परम सम्माननीय श्री ललित पोखरिया सर, जो वरिष्ठ रंगकर्मी है लखनऊ से, साथ ही केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्डी भी है। इसके अलावा भी आपको बहुत महत्वपूर्ण सम्मान मिले हुए हैं, ऐसे आप किसी वह परिचय के मोहताज नहीं है, हर रंगकर्म से जुड़ा हुआ प्रत्येक
छोटा कलाकार या बड़ा कलाकार या जिसके कहे कि जो रंगमंच से नहीं भी जुड़ा है वो भी इनसे परिचित है, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय देना अपना कर्तव्य समझता हूँ संक्षिप्त रूप से। देश के प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान भारतेंदु नाट्य अकादमी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 1984-87 में एक वर्षीय इंटर्नशिप के तहत नाट्य कला में आप स्नातक हैं। रंगमंच में 1987 से निरंतर अभिनेता, नाट्य लेखक, नाट्य शोध अध्येता और प्रशिक्षण के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। 80 नाटकों में और 50 नुक्कड़ नाटकों का आपने लेखन किया है। 130 नाटकों में और 50 से अधिक नुक्कड़ नाटकों का आपने निर्देशन किया है। कुल 86 नाटकों के लगभग 500 से अधिक अभिनय आपने किए हैं। कुमाऊं की लोक नाट्य शैली का विकास, थारू जनजाति और बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में नाट्य प्रयोग पर भी आपका विशेष कार्य है। 1993 में लोक कला संस्थान अल्मोड़ा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग द्वारा गौरा रोग घाटी अल्मोड़ा के लोक जीवन पर आपका सर्वेक्षण रहा। 2003 और 5 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको प्रदत्त सीनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई। अनाथ बच्चों, बेसहारा बच्चों, बाल संरक्षण गृह के बच्चों, ग्रामीण निर्धन बच्चों, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड के जीवन संघर्षों को कार्य करने वालों के बच्चों के लिए आप निरंतर जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। छायानट, समाचार टाइम्स, भारत रंग, पत्रकार सदन, श्री टाइम्स, सृजन से, संस्कृति, पाखी, कला, वसुधा, महावर्तन, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, उदत्त उजाला आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके रंगमंच और संस्कृति के लगातार लेख आते हैं। निसर्ग संस्था द्वारा सन 2006 से लगभग 1000 बालकों और युवाओं को मानवता परक व्यक्तित्व विकास करते हुए नाट्य प्रशिक्षण आपने प्रदान किया है। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से कला निधि सम्मान 1989, मयूर पंख लखनऊ द्वारा, भारतेंदु नाटक अकादमी रज जयंती सम्मान 2000 वर्ष, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान वर्ष 2005, नाट्य निर्देशन मोहन उत्प्रति स्मृति सम्मान 2010, मोहन उत्प्रति लोक कला संस्कृति द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव अलंकरण सम्मान 2010, राष्ट्रीय लोक कला मंच द्वारा लोकमत सम्मान 2013, और इसके अलावा आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से हाल ही में सम्मानित किया जा चुका है। रंगमंच के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान को आपको प्राप्त हुए। इसके अलावा आपकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली छह नाटक वाणी प्रकाशन, खोज नाटक संग्रह निसर्ग प्रकाशन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वित्तीय सहायता प्राप्त क्रांतिपथ और काला पानी नाट्य संग्रह निसर्ग प्रकाशन उत्तर प्रदेश, कला वसुधा और छाया नट जैसी पत्रिकाओं में लगातार 7 नाटक आपके प्रकाशित हुए हैं। काव्य संग्रह संलाप अंजुमन प्रकाशन प्रयागराज। इसके अलावा आपका बहुत व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत उत्कृष्ट है। ऐसे कला मर्मज्ञ जो रंगमंच के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा नाम है, हम अपने विश्वविद्यालय और विभाग की तरफ से, संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और बिना किसी विलंब से अब आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि जो आज का हमारा विषय है, जिसका शीर्षक है वैश्विक परिपेक्ष में भारतीय कला एवं संस्कृति की उपादेयता रंगमंच के संदर्भ में, इस विषय पर हमारे छात्र छात्राओं को आप लाभान्वित करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललित पोखरिया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और आज इस मंच पर, ऑनलाइन मंच पर आकर मैं निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे जैसे अकिंचन को आपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं कुलपति महोदय का, कुल सचिव महोदय का, रंजना मैडम का और आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज उपस्थित जितने भी यहाँ आपके छात्र हैं, शोधार्थी हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि ग्वालियर के मंच के तमाम वरिष्ठ कलाकार इसमें मौजूद हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, ग्वालियर का रंगमंच में गौरवशाली इतिहास है, और अभी भी देश के रंगमंच के फलक पर ग्वालियर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है, और उस विशेष पहचान को बनाने में आपके विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह योगदान है।
बोलने से पहले मैं कुछ बातों पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपके स्नातक स्तर के जो छात्र हैं या परास्नातक स्तर के जो छात्र हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि हमारे पश्चिम की एक ऐसी रंगमंच की समृद्धशाली परंपरा है, पश्चिम की अभी मैं बात कर रहा हूं, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में भी हम भारतीय रंगमंच की उपादेयता की बात क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा मेरी कुछ प्रस्तावना संबंधी जो बातें हैं उनको सुने। हम जानते हैं कि यूनान में जो नाटक की परंपरा शुरू हुई वो भारतीय शास्त्रीय परंपरा के समकक्ष ही गौरवशाली मानी जाती है, बहुत विस्तृत मानी जाती है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो परंपरा शुरू हुई उसका वैचारिक दर्शन क्या था, वो जीवन संबंधी सृष्टि संबंधी कौन सी बात आगे मानव जाति के लिए संचरित संवहित करना चाहती थी। और उसी परंपरा में जब हम जानते हैं कि पश्चिम में भले एक डार्क एज आया उसके बाद कला संस्कृति विचार और दर्शन के आयामों में पश्चिम में कितना गहरा और व्यापक काम होता चला गया। हम पहले रेनेसां से जब बात करते हैं उसके बाद जब लियोनार्डो विंची जैसे हमारे चित्रकार जन्म लेते हैं, उसके बाद एलिजाबेथन काल आता है या इटालियन रेनेसां का काल आता है, फिर यथार्थवाद का एक बहुत बड़ा नवोन्मेषी काल शुरू होता है जिसने बहुत गहरे दार्शनिक और विचारक दिए हैं इस विश्व को, जिन्होंने मानवता के संदर्भ में बड़ी बड़ी पड़ताल की है, मानव जीवन के भीतरी संतरास को लेकर और सृष्टि के सापेक्ष उसके संघर्ष को लेकर और जीवन के सापेक्ष उसके मन के संघर्ष को लेकर जो वैचारिक दार्शनिक चित्रण किया है उनके रंगमंच में ये बात बहुत व्यापक रूप से आई है। जहां हम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन और उसके बाद अगर हम आधुनिक काल के शुरुआत की बात करें तो एक से एक दार्शनिक नाटककार वहां पैदा हुए, चाहे पिरेंडलो हो, चाहे सैमुअल बेकेट हो, चाहे हमारे अल्बर कामू हो, या जॉन पॉल सार्त्र हो, टेनेसी विलियम हो, यूजीन ओनील हो, या फिर बर्नार्ड शॉ हो, ये सब लोग बहुत गहरे विचारक दार्शनिक थे और उन्होंने अपने अपने कालखंड के सापेक्ष समाज को और वैयक्तिक चेतना और संवेदना को पड़ताल करके बहुत बड़े बड़े संदेश भी दिए हैं। ऐसा होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय रंगमंच की या कला संस्कृति की उपादेयता के बारे में सोच रहे हैं। निश्चित रूप से इसका कुछ महत्व होगा। आप जैसे विद्वानों ने इस व्याख्यान का निरूपण किया होगा, इस विषय का चयन और निरूपण किया होगा, निश्चित रूप से आप विद्वजनों के मनोमस्तिष्क में इसकी कोई अवधारणा होगी, इसका कोई निश्चित स्वरूप होगा। तो मैं दरअसल आपके जो शोधार्थी हैं, छात्र हैं, उनको एक संकेतात्मक दृष्टि से या सिंहावलोकन की दृष्टि से ये बात बता रहा हूं। जो ग्रीक थिएटर पैदा होता है वो उस जीवन दर्शन के, वहां के मनुष्यों के दर्शन की धार्मिक परंपरा हो जाती है, अनिवार्य धार्मिक परंपरा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन दर्शन में, यूनानी जीवन दर्शन में सृष्टि और जीवन के बीच का जो अंतर संबंध पैदा होता है वो हमारे यहां के जीवन दर्शन से बिल्कुल भिन्न है।
उनके जीवन दर्शन में यह है कि मनुष्य जीवन कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित है, उनकी इच्छा से संचालित है और प्रभावित है। मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है, वो नगण्य है, अकिंचन है। भले वो देवत्व धारण कर ले, भले ही वो महानायकत्व धारण कर ले इडिपस की तरह, और भी कोई महानायक वो बन जाए, लेकिन नियति का दास है। यही विचार सोफोक्लीज व्यक्त करता है, यही विचार एस्किलस व्यक्त करता है, यही विचार यूरिपिडीज व्यक्त करता है कि हे मनुष्यों, इस जीवन दर्शन को अपनी आत्मा में बैठाओ और उन अदृश्य शक्तियों के प्रति भक्ति मूलक बने रहो, क्योंकि हमारा जीवन उनकी इच्छा से संचालित है, हम नगण्य हैं। और उनको प्रसन्न करते हुए हम जो कुछ भी करें, नाटक करना देवताओं को प्रसन्न करने के एक रचनात्मक अनुष्ठान के रूप में वहां परंपरा में आया, तो इसको तुम करते रहो, तो उसके बाद भी इडिपस जैसा हश्र हो सकता है, लेकिन तुम्हें करते रहना है। लेकिन भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य, संत्रस्त मानवता, अभिशप्त मानवता, विकृत मानव सभ्यता के इस दौर में भारतीय रंगमंच की उपादेयता को जानना, समझना और उसको विस्तार देना अनिवार्य है। सृष्टि के और मानव जीवन के संवेदनात्मक अंतर संबंध को, नाभि नाल अंतर संबंध को बचाते हुए मानव जीवन के उत्तरोत्तर आदर्श विकास के लिए भारतीय रंगमंच की उपादेयता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हस्ताक्षरित कराना, रेखांकित कराना अनिवार्य है। ये विषय आप लोगों ने रखा, ये बहुत ही आपने वक्त की जो नब्ज है, जो धड़कन है, उसके लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, आपने उस ऑक्सीजन की जरूरत को भारतीय रंगमंच को उस ऑक्सीजन का दर्जा देते हुए समझा और इस पर व्याख्यान किया, छात्रों के साथ एक प्रकार से विमर्श या इंटरेक्शन करने का अवसर चुना। अब भारतीय रंगमंच की उपादेयता से मैं बात करने से पहले मैं कुछ ये बात करना चाहूंगा कि आखिर भारतीय दर्शन क्या है, क्योंकि हमारी सारी कला विधाएं, हमारे सारे धार्मिक आचार, हमारे सारे सांस्कृतिक अनुष्ठान, व्यवहार, त्योहार और हमारी सारी रचनात्मक आयाम और विधाएं और भंगिमाएं कि अपने अपने स्वरूप में, अपनी अपनी सीमाओं में और अपने अपनी विशेषताओं के साथ उसी धार्मिक दर्शन को, वैचारिक दर्शन को जीवित रखने के लिए काम करती है और आगे की पीढ़ी के लिए संचरित करने के लिए काम करती है। क्यों? इडिपस के द्वारा जिस जीवन की, जिस संत्रास को दर्शाया गया है, उस संत्रास का एहसास कराने के लिए नहीं, उस नियति की त्रासदी पूर्ण विडंबना को भोगने की अनिवार्यता को जीवन बताने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन उत्तरोत्तर विकसित कर सकता है, उसमें क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो सकता है, वो मानवता के उच्चतर शिखर, जिसे देवत्व तो कहा जा सकता है, वहां वो पहुंच सकता है और वो वहां पहुंचकर समष्टि की ऊर्जा और चेतना से जुड़ सकता है और वो व्यापक हो सकता है, जिसको संक्षेप में अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। बच्चों, इसको आप गूढ़ बात ना समझिएगा, अभी मैं जोड़ूंगा, आप ये ना समझिएगा कि रंगमंच की बात करते करते ये ऐसी बात क्या होने लगी है। लेकिन रंगमंच भी तो कहीं ना कहीं अपने दर्शन की ही बात करता होगा, आनंद देने वाले अनुष्ठान के रूप में। साहित्य भी कहीं ना कहीं उसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाहक होगा, रसों के परिपाक के द्वारा, कविता, कहानी, उपन्यास और इसी प्रकार के संगीत,
संगीत भी नाना रागों के माध्यम से नाना रसों को व्यक्त करते हुए एक आत्मिक आनंद देते हुए जीवन के आत्मिक क्या कहना है आरोहण की तो ही बात करता होगा, उसी के लिए बात मतलब कोशिश करता होगा, उसी की प्रेरणा जगाता होगा। तो रंगमंच भी यही करता है। तो मैं आपको बताऊं, भारतीय मनुष्यों ने जब सृष्टि के सापेक्ष जीवन का अध्ययन किया तो उन्होंने सृष्टि को क्या पाया, जीवन को क्या पाया, और सृष्टि और जीवन के अंतर संबंध के लिए पूरे विश्व के लिए क्या बातें रखी। उन बातों को जब हम जानेंगे तब हम जानेंगे कि हाँ भारतीय रंगमंच की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या वैश्विक उपादेयता हो सकती है। बच्चों, आप लोगों ने वैदिक या उपनिषदों में उद्धृत श्लोक या ऋचाओं को सुना होगा, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। पहला ही देखिए, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, चारों दिशाओं से उत्तम विचार आकर हमको अभिषिक्त करें, चारों दिशाओं से, कहीं से भी, जड़ से भी, चेतन से भी, और संसार के भिन्न भिन्न लोकों से भी, भिन्न भिन्न देशों से भी उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार जो मानवता को पोषण देते हो। तो हमारे वैदिक ऋषि उपनिषद के मनीषी ये बात कहते हैं। दूसरा कहते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा यानी ईश्वर, जो कुछ कल्याणकारी है, जो कुछ शुभ है, मंगलदायक है, उससे हमको अभिसंचित करिए, और जो बुरा है, त्याज्य है, उसको हमसे दूर करिए। बताइए, इतने वैश्विक कल्याण की जो बात है, जो चिंतन है, वो दर्शन है, और कहीं मिलता है नहीं। यही दर्शन, यही चिंतन हमारे रंगमंच में आता। अभी मैं और बताता हूं इसके साथ क्या कहते हैं वेद। समानी च आकूति समानी हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। हम सबके विचार समान, हम सबके कर्म एक ही दिशा में कल्याण के लिए प्रवृत्त हों, हम सबके प्रयास एक से हों, कहीं मन में कोई भेद न हो। अब बताइए, आदि काल में हमारे मनीषी ऐसा कर कहते हैं तो ये हम सब कौन है? पूरी मानव जाति है, पूरे विश्व में जहां जहां भी जीवन है, केवल मानव जाति नहीं, पूरे जीवन के लिए। ये किन्हीं का माइक जो है ओपन है, खुला हुआ है? हिमांशु जी, इसको म्यूट करा दीजिए, व्यवधान हो रहा है। जी सर, अभी अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। जी सर, बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कहते हैं, संग दक्षध्वं संग वदध्वं संग नो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। फिर एकीकरण का, फिर समानता का, साथ चलने का, मिलके चलने का नाटक, इससे अलग और क्या है? अभी और बात आगे और बात आती है। तो ये सब जो दर्शन था, आप लोग जानते हैं भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र का निरूपण किया गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कि वेदों में, उपनिषदों में पूरे वैश्विक कल्याण के लिए कही गई ऐसी उत्तम बातों के बावजूद सृष्टि और जीवन के लंबे समय तक के नाभिनाल बंधन के संरक्षण को मजबूत करने के बातों के बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ प्राकृतिक तत्व की पूजा होती है, जो पांच तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, इनकी स्तुति होती है, क्योंकि ये नहीं है तो जीवन कहाँ, इसलिए इनकी स्तुति होती है। स्तुति मतलब इनके प्रति हमारी श्रद्धा रहे, निष्ठा रहे, इनको जीवनदायी तत्व के रूप में जैसे हम अपने माता पिता को मानते हैं वो माने रहे,
जो माने रहेंगे तो हम अनाचार की तरफ नहीं जाएंगे, हम सदविचार और सत्कर्म की तरफ ही जाएंगे, तभी सृष्टि का संरक्षण होगा। और जब सृष्टि का संरक्षण होगा तो जीवन का संरक्षण होगा, जीवन का संरक्षण होगा तो पूरे वैश्विक कल्याण के चिंतन और दर्शन का निरूपण होगा, और चिंतन और दर्शन के निरूपण को व्यावहारिक जीवन में लगातार बनाए रखने के लिए कलाओं का, संस्कृति का, रंगमंच जैसी बातों का निरूपण होगा, उनका व्यवहार होगा। तो जब हमारे समाज में इन सारी चीजों का, वैदिक समाज में, वैदिक युग में इतनी उच्चतर बातें कहने के बाद भी जब समाज में अनाचार, लोभ, लालच, ईर्ष्या, आपके आचार्यों ने सब बताया होगा का, जब जब आसुरी संपदा का जब ज्यादा वो हो गया और दैवी संपदा जो मानवीय गुण है, आचरण है, उनका हनन हो गया, दमन हो गया, तो ऐसा हुआ कि भाई एक ऐसे नाट्य शास्त्र, एक ऐसी कला का निरूपण किया जाए जो सरस हो, रोचक हो, सबके लिए आनंददायक हो और दृश्य रूप में उसे देखा जा सके, ताकि दृश्य रूप में देखने से आदमी, मनुष्य की चेतना ज्यादा प्रेरित होती है, प्रभावित होती है, चिंतन प्रभावित होता है। इसीलिए तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की वो मतलब एक तरह से निरूपण किया, आगे परंपरा बनाई, केवल भारतीय जनमानस के लिए नहीं, वैश्विक कल्याण के लिए। अगर उस परंपरा में हम आगे बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बात करेंगे हम, तो भरत मुनि ने आखिर क्या कहा, अपने नाट्य शास्त्र का उद्देश्य क्या बनाया, आज पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। भरत मुनि क्या कहता है, दुखार्तानाम क्षमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्य में तन्मया कृतम। ये मेरा जो नाटक है, ये मेरा जो सृजनात्मक अनुष्ठान है, ये संसार में दुख से, शोक से, श्रम से क्लांत आम जनमानस को निश्चित समय पर सुख देने वाला होवे, उसमें उसको पुनर्जीवित करने वाला होवे, उसमें शक्ति का संचरण करने वाला होवे, सारे जो दुख से, अब बताइए जो दुनिया में सर्वहारा को उठाने के तमाम आंदोलन चल रहे हैं, अब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के उद्देश्य से पूरे विश्व में इसका सामाजिक व्यवहार होता और तमाम तरह के वर्गों में, वर्णों में इसको समान दृश्य से देखा, सुना, समझा जाता, व्यवहार में लाया जाता, तो आज विश्व की स्थिति कुछ दूसरी होती। खैर, हम इसके आगे और दूसरी बात करेंगे, अब हम विशेष रूप से रंगमंच की उपादेयता की बात करेंगे। ये किसी का माइक फिर खुल गया है। मैम, आपका माइक खुला हुआ है, कृपया उसको म्यूट कर लीजिए। मधुलिता जैन मैम जी। सर हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब वैश्विक उपादेयता की जो बात आती है, आम तौर पर एक धारणा क्या बनती है, मोटे तौर पर क्या विचार बन गया है, जैसे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं नाट्य शास्त्र के, नहीं, नाट्य शास्त्र आज भी प्रचलन में रहना चाहिए, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटकों का मंचन होना चाहिए। आधुनिकता के चमत्कार में खोए लोग क्या कहते हैं, नहीं ये तो भाई बीते जमाने की बात है, ये तो ऑब्सलीट है, आउटडेटेड है, अब ये दर्शकों के लिए रोचक नहीं रह सकता, अब इस ढंग से नाटक व्यक्त नहीं किया जा सकता। दरअसल वे लोग केवल नाटक के प्रस्तुतिकरण की बात पर बात कर रहे हैं। हम रंगमंच की उपादेयता की बात करें तो तीन बिंदु आएंगे ना सामने, कथ्य कि नाटक से कहा क्या जाए, क्यों सामने रखा जाए, हमारे द्वारा किए जाने वाले नाटक की विषय वस्तु क्या हो, यह भी तो सबसे बड़ी मायने रखेगी बात। और एक चीज हम लोग जान लें, शायद मेरी बातों से कुछ ऐसा लगा होगा कि मैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, तो हम भारत वाले बड़े सही हैं, हम भारत से अलग लोगों को ही सुधरने की जरूरत है और हम तो ठीक है, ऐसा नहीं है, उसी विश्व में हम हैं।
और कई बातें तो हमारे जो पतन की बातें हैं, विमुखीकरण की बातें हैं, विकृतीकरण की बातें हैं, वो पश्चिम से कई मामलों में कहीं ज्यादा चिंताजनक है, अफसोसनाक है। तो एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, उसमें भारत को आप स्वयमेव ऑटोमेटिकली शामिल मानिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हम भारतीय रंगमंच की बात करते हैं तो लोग सीधे कहते हैं हाँ तो हम नाट्य शास्त्र के अनुसार रंगमंच की बात कर रहे हैं। केवल नाट्य शास्त्र के अनुसार रंगमंच की बात नहीं कर रहे, पूरे भारतीय भूभाग के विभिन्न सांस्कृतिक भौगोलिक उपक्षेत्रों की लोक कलाओं लोक नाट्यों की भी बात कर रहे हैं, वो भी भारतीय रंगमंच है। और लोक और शास्त्रीय संचेतना और रस को लेने लेते हुए आधुनिक जो रंग प्रयोग हो रहे हुए भारत में, मैं उनकी भी बात कर रहा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब हम भारतीय रंगमंच की उपादेयता की बात करें तो मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं कि विषय वस्तु, हमारी विषय वस्तु क्या हो, तो निश्चित रूप से हमारे लोक नाट्य के जगत में भी, हमारे शास्त्रीय नाट्य के जगत में भी तरह तरह के पौराणिक आदि ऐतिहासिक या सामाजिक परिकल्पित या यथार्थ आख्यानों उपाख्यानों को लेकर जो नाटकों का मंचन किया जाता है, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य एक ही होता है। भले ही वो किसी परिवार विशेष की बात को कथानक में लाए हों, भले ही वो किसी व्यक्ति विशेष के भीतर चलने वाले झंझावात की बात को सामने लाए हों, भले ही वो एक बड़े समाज की बात को सामने लाए हों, भले वो एक बड़े ऐतिहासिक परिदृश्य की बात को सामने लाए हों, या वो देश और कालातीत किसी काल्पनिक कथानक को सामने लाए हों, उन सब का या तो अलग-अलग नाटकों में या एक साथ एक नाटक में जो उद्देश्य होता है वो भी तीन भागों में विभक्त है, लेकिन सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि मोटर गाड़ी की जो चेन होती है उसकी हर कड़ी जब जुड़ जाती है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे पहिए में जो स्पाइक्स होते हैं, जो तीलियां होती हैं, पुराने जमाने की बैलगाड़ी वगैरह में भी, वो सब आपस में मिलकर पहिए को गतिशील बनाने में मदद करती हैं, वो चलता रह सके समान गति से और सुचारू रूप की गति से चलता रह सके। तो अगर वो उसमें आधे से ज्यादा टूट जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, पहिया ही बिखर जाएगा। तो उद्देश्य में मैं अब उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने, मैं शास्त्रीय नाटकों का पहले उदाहरण दूंगा उसके बाद इधर आऊंगा। मध्यम व्यायोग पढ़ा होगा, मध्यम व्यायोग में उसका हिंदी का अर्थ है बीच के आदमी का दुख। ये बीच का आदमी केवल एक व्यक्ति नहीं, मध्यम वर्ग भी है, ठीक है। अब उसका दुख क्या है कि वो उसको कथानक को एक बहुत बढ़िया रस देने के लिए, मानवीय वृत्तियों को उजागर करने के लिए, छोटा माँ को प्रिय है, बड़ा बहुत बड़ा परिवार को चलाने वाला है, बीच के आदमी को कोई नहीं मानता है, तो वो आएगा, वही बलि देगा। लेकिन इसके साथ साथ किसी निरपराध को बचाने के लिए, राक्षसी शक्ति से बचाने के लिए, बौद्धिक और शारीरिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए त्याग और बलिदान की भावना को व्यक्त करना, उसका निरूपण करना मध्यम व्यायोग का क्या उद्देश्य नहीं हो सकता? वह हिमांशु जी आप लगातार उपलब्ध रहिए मुझे दृश्य रूप में, तो मैं बिल्कुल आपको मूक मूक रूप से आपके साथ इंटरेक्शन कर सकता हूं, सर, मैं दृश्य और श्रव्य दोनों रूप में उपलब्ध हूँ। है ना। तो हाँ क्या बिल्कुल आप बताइए ये उद्देश्य नहीं हो सकता? बिल्कुल यथासत्य, बिल्कुल किसी सही कह रहे हैं आप। किसी निरपराध को जो सताया गया है, अनावश्यक, जिस शक्तिहीन है, दुर्बल है, उसको बचाने के लिए किसी को आगे आना है, बिल्कुल सही कह रहे आगे हैं, आना है तो आगे आने के लिए त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल बलिदान करना पड़ेगा, ठीक है ना।
आज विश्व में तमामों तमाम देशों में कहीं तेल की लड़ाई हो रही है, कहीं और दूसरे प्रकार के, क्योंकि दुनिया तो बाजार में बदल गई है, व्यापार का आर्थिक आधिपत्य को स्थापित करने के लिए कितना अनाचार हो रहा है, विभिन्न मुल्कों के जो नेतृत्व हैं उनकी आइडियोलॉजी कितनी अमानुषिक हो गई है। तो ऐसे में हमारे भारतीय रंगमंच के पुराने काल का जो नाटक है वो क्या संदेश देता है? भैया दुर्बल को न सताओ, जो निरीह है अपनी शक्ति के दम में अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी निरपराध के, अशक्त दुर्बल दीन के प्राण मत लो। क्या यह संदेश मानवीय संदेश नहीं है? इस भारतीय विषय, मैंने कहा ना, नाटक रंगमंच की सार्वभौमिक या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उपादेयता की दृष्टि से हमारे भारतीय रंगमंच की विषय वस्तुओं का भी तो चयन करना होगा, उनकी उपादेयता देखे कैसी है। ये बात ग्रीक नाटक नहीं कह रहा। ग्रीक नाटक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन संघर्ष की विडंबना की बात कर रहा है, उससे मुक्त होने की बात कर रहा है, लेकिन अंततः दिखा क्या रहा है, उसका प्रधान विचार, प्रधान विषय वस्तु क्या है कि मनुष्य जीवन उन अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों के आगे लाचार है, इसलिए हमको उनको अप्रसन्न नहीं करना है। हम कुछ भी कर ले होगा वही जो वो चाहेंगे। तो ये विचार तो वैश्विक कल्याण का के हित में उतना उपादेय नहीं है। मैं इस विचार को नकार नहीं रहा हूं, मैं उपादेयता की बात कर रहा हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक उपादेयता की बात कर रहा हूं, भारतीय रंगमंच के विचार और विषय वस्तु की। ठीक है, बिल्कुल। अब उर्भंग नाटक है, उर्भंग नाटक तो लोभ लालच ईर्षा अहंकार के मद में चूर होकर पूरे कुल को विनाश करने की जो विडंबना है, और युद्ध भूमि निरपराध निरीह स्वामी भक्त सैनिकों की, मतलब जो है लाशों से पटी रणभूमि को दिखाकर भास क्या कहना चाहते हैं कि भाई ये ईर्ष्या डाह अहंकार समृद्धि और शक्ति की भूख जो है ये अनैतिक है, ये अनैतिक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आरजे नाम से जो है वो माइक म्यूट करें, आरजे नाम से जो है। हिमांशु भाई आपसे निवेदन था कि अगर आप सेटिंग्स में जाके जी, एक ऑप्शन होता है पार्टिसिपेंट्स में, पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, आप उसको क्लिक कर दे और पोखरिया जी को कोहोस्ट बना दे। ओके सर, ओके सर, ठीक है। हाँ, ये उत्तम विचार है, ये भी जरा सा कर लिया जाए, क्योंकि इससे विचार प्रवाह टूट रहा है। अरे समय से आता है जी। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो रखी है। हाँ, तो जो पार्टिसिपेंट्स है वही जरा गौर करें, अपने आप को अनम्यूट, वो म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। इसी तरीके से शूद्रक का नाटक क्या कहता है, हालांकि कालिदास के तीनों नाटक प्रेम कहानी है और कालिदास के तीनों नाटक उसके काव्य सौष्ठव को स्थापित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं भी मानवीय कोमलता संवेदना को बनाए रखने, प्रकृति और मानवीय संवेदना के जो एकीकरण है उसका बहुत बड़ा अदृश्य संदेश कालिदास भी देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्तमान में। मोहन राकेश बहुत बड़े चर्चित नाटककार हैं और शीर्षस्थ नाटककार हैं भारत के हिंदी रंगमंच के, या धर्मवीर भारती जी के लिखे हुए एक दो नाटक वो भी शीर्षस्थ नाटकों में माने जाते हैं। आजकल अंधा युग का फिर से जहां तहां मंचन हो रहा है। आप लोग अंधा युग में भारतीय धर्मवीर भारती जी क्या करते हैं? वो अंततः भारतीय दर्शन की बात करते हैं और एंटी वॉर संदेश देते हैं। क्यों? केवल भारत को बचाने के लिए नहीं,
पूरी मानव जाति को बचाने के लिए वो अश्वत्थामा के प्रति जो है एक अवगाहन करते हैं, आह्वान करते हैं, रोको इसे, या व्यास की भविष्यवाणी। तो क्या कर रहे हैं हमारे शास्त्रीय नाटककार, भारतीय रंगमंच के जो मनीषी हैं, अपने उद्देश्य में ही शुरू से पूरे सृष्टि के कल्याण, सृष्टि के संदर्भ को लेकर चल रहे हैं। तो ये भारतीय रंगमंच की खास पहचान है। अब हम आ जाते हैं मोहन राकेश के उसमें, आषाढ़ के एक दिन में, वो एक त्रासपूर्ण प्रेम कहानी कही जा सकती है। दूसरी तरफ कालिदास का वो हृदय को ग्रिल नहीं करती है, उसको एहसास नहीं कराती है कि तुमको अपने प्रेम के लिए उसी त्याग समर्पण तब का परिचय देना चाहिए था जो मल्लिका ने दिया। और ये भी वो कहते हैं कि मनुष्य बदली परिस्थितियों में, बदली परिस्थितियों के हिसाब से और अपने बदले हुए जीवन के स्तर से वो थोड़ा सा अन्य मनस्क हो जाता है, अपने मूल्यों से भटक जाता है, तो वो क्या होता है, उसका नैतिक ह्रास हो सकता है। मल्लिका की कहानी है, ये दुखपूर्ण कहानी है, लेकिन मोहन राकेश मानवीय चरित्र को नैतिक पतन से बचाकर श्रेष्ठता के मापदंडों को याद दिलाने का के लिए भी तो काम करती है उसकी विषय वस्तु। हिमांशु जी आप क्या कहते हैं? तो अभी तो मैं कल विषय वस्तु की बात करूं तो सबसे बड़ी बात तो आत्मा होती है, शरीर की बात बात में। हम पूरे विश्व को आत्मा क्या दें, विचार क्या दें, हम उस पर पार्टी को देखें, भारतीय रंगमंच की विषय वस्तु की जो पर पार्टी है। भले ही हम पश्चिमी प्रभाव में थोड़ा भटक गए हैं क्योंकि हम पश्चिम की अच्छी बात नहीं ले पा रहे हैं। बदले परिदृश्य में हिमांशु जी आप पहले इसको स्वीकार करें या न करें, कुलपति महोदय या रंजना जी यहाँ हैं, आप लोग इस बात को स्वीकार करें न करें, हम विकसित होने के क्रम में कहीं न कहीं पर विकृत भी हो जा रहे हैं। और हम इस दुर्घटना को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हम बार बार अपनी रंग परंपराओं को ऑब्सोलीट आउटडेटेड मान रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि हबीब तनवीर जी ने कई दशक पूर्व छत्तीसगढ़ के रंगमंच को जो उन्होंने गढ़ा था, पूरे लोक तत्वों का एक क्या रसमय परिपाक बनाया था, और छत्तीसगढ़ ही भाषा में ही उन माटी से जुड़े हुए लोगों को लेकर विश्व भर में भ्रमण किया था और पूरे विश्व के लोग अभिभूत हुए थे। हम आजकल के रंगकर्मी इस बात को क्यों भूल जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी हबीब तनवीर जी वाला ही नाटक करे, अब ये कहने का मतलब नहीं है, उसके मर्म को समझने की जरूरत है, ठीक है। और वो तो शेक्सपियर के मिड समर नाइट ड्रीम को छत्तीसगढ़ी में कर देते हैं भाई। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना कुछ ऐसा है, बिल्कुल वो शेक्सपियर को छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरित करके उन लोग तत्वों से रसमय परिपाक बना के विश्व भ्रमण करते हैं। वो मिट्टी की गाड़ी देखिए या चरणदास, और ये तो कहते हम चलिए पौराणिक आख्यान लिए गए और बाहर से लिए गए, वो क्या है, चरणदास चोर क्या है? लोग रसमय मान, सच्चाई के पक्षधर कितना चोर भी हो सकता है, कितना मतलब उन्होंने दिखाया कि सफेद कपड़े पहने वाले लोगों, सच्चाई का मुखौटा लगाए लोगों, देखो एक चोर भी तो कितना बड़ा सत्यवादी हो सकता है, कितने ऊंचे नैतिक मूल्य हो सकते हैं उसके। क्या ये संदेश पूरे विश्व के हित के लिए नहीं है, जहां पूरे विश्व में समृद्धि का आधिपत्य स्थापित करने के लिए, शक्ति का आधिपत्य स्थापित करने के लिए मुल्क के मुल्क और उनका जो नेतृत्व है दुनिया भर के अनाचारों को अपनी आइडियोलॉजी बनाकर प्रैक्टिस में ला रहा है, व्यवहार में ला रहा है। तो क्या ऐसे परिदृश्य में भारतीय रंगमंच की परिपाटी में जो विषय वस्तु डील की जाती रही है, शास्त्री से लेकर लोक से लेकर आधुनिक वर्तमान यथार्थवादी रंगमंच तक, क्या
इसका चलन या इसको जीवित रखने या इसका प्रसार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है, इसीलिए आपने विषय वस्तु रखी है। इसकी उपाय देता जितने भी आप सम्मानित छात्र हैं, शोधार्थी हैं, मेरे बात को इस ढंग से लीजिएगा। अब मैं विषय वस्तु से हटकर अब आता हूं शैली को लेकर। एक तो विषय वस्तु की सार्वभौमिक उपादेयता, दूसरा शैली की उपादेयता। अब हम देखिए, पता नहीं हमने सुना था हिमांशु जी, मैं नाट्य संस्थान का नाम नहीं लूंगा, एक बार आज से 7-8 साल पहले या और पहले वहां विचार उठा था कि नाट्य शास्त्र को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आउटडेटेड हो गया है। अरे भाई साहब, भरत मुनि ने इसको आउटडेटेड नहीं माना। भरत मुनि क्या कहते हैं अपने, आपको तो मालूम ही होगा, छात्रों को शायद पता होगा, अपने 36वें अध्याय में कहीं अंत में वो कहते हैं कि देखो मैंने ये जो कुछ भी किया है ये अंतिम नहीं है, आने वाले समय में अपने अपने युग की चेतना और परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक संगठन के अनुसार, रचनात्मक प्रयोगता रंगकर्मी नए आयाम गढ़ सकते हैं। वो तो सार्वकालिक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस दृष्टि से हम कहें सार्वभौमिक ही नहीं, सार्वकालिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या स्टैनिस्लॉस्की ऐसा करते हैं? क्या ग्रोटोस्की ऐसा करते हैं? क्या बर्तोल्ड ब्रेख्ट ऐसा करते हैं? ऐसा कहकर मैं उनके रंगकर्म को नकार नहीं रहा हूं, मैं व्यष्टि और समष्टि के अंतर की बात कर रहा हूं। उनका रंगकर्म व्यष्टि परक है, हमारा रंगमंच, भारतीय रंगमंच समष्टि परक है, ठीक है ना। वो अपने देश काल की चेतना को एक कुछ जकड़े हुए नियमों में बांध दे रहे, वो अपने आप में अच्छा हो सकता है लेकिन वो अंतिम नहीं है, वो युगीन नहीं है। कल के दिन तो फिर वो क्या होगा, लेकिन भरत मुनि तो उसको आउटडेटेड होने से पहले ही बचा के चले गए। ऐसे उसमें क्या सनसलस की भरत मुनि के अनुगामी नहीं हुए? क्यों भरत मुनि कह रहे हैं कि अपने अपने देशकाल परिस्थिति में, अपने अपने सामाजिक परिस्थितियों में और अपने व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक चेतना के अनुसार रंग प्रयोगता अपने अपने स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो सनसलस की ने वो किया, ग्रोटोस्की ने वो किया, ब्रेक्ट वो कर रहे हैं, और भी तमाम कर रहे हैं, जितने प्रयोग हो रहे हैं वो भरत मुनि के कथन से, उनकी चेतना से, उनकी रचनात्मक जो ब्रह्मांडिक दृष्टि है उससे बाहर तो कोई नहीं है। हम इस बात को क्यों नहीं समझते भाई, हम इस बात को क्यों नहीं समझते? लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा, हो सकता है हर विषय भरत मुनि के आंगिक आहार या वाचिक और सात्विक का जो उनका संगठन है उसका भौतिक अनुगमन करके नहीं हो सकता। लेकिन सात्विक क्या है? सात्विक तो आत्मा है ना। सात्विक के दो अर्थ हैं, एक तो साक्षी भाव, खुद में पात्र की मनोदशा मनोवृत्ति में व्यक्त रूपी अभिनेता को इंडल्ज नहीं होना है, साक्षी भाव रखना है, सात्विकता बनाए रखनी है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद कमल के पत्ते पर है भी और नहीं भी है, तो पात्र है भी वो नहीं भी है, क्यों, वो उसमें इंडल्ज नहीं है। तो ये एक साक्षी भाव, तो ये है सात्विक का अर्थ। दूसरा क्या है? सत्व, एसेंस, एक्सट्रैक्ट। सत्व क्या होता है? किसी भी क्रिया वाचन के पीछे का मनोभाव या विचार, वो सत्व है, प्राण है, वो आत्मा है सत्व। यानी कहते जैसे जल का सत्व है तरलता, वायु का सत्व है गति, धरती का सत्व है धैर्य, आकाश का सत्व है विस्तार, और अग्नि का सत्व है तेज। उसी तरह से मनुष्य मन से उठने वाले वाचिक का अंग विन्यास का सत्व है वह भाव और वो विचार जिसके वजह से वो जन्म ले रहा है, प्रेरित हो रहा है। तो क्या उस सत्व के बगैर नाटक में कोई संवाद हो सकता है? कहीं का भी हो, चाहे स्नोसलस्की का हो, चाहे ग्रोटोस्की का हो, क्या उस सत्व के बिना कोई अंग संचालन हो सकता है? कैसे होगा?
अगर पागल भी होगा तो उसके भीतर भी उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी कुछ कर रहा होगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो भिन्न हमसे, भिन्न देश काल परिस्थिति और चेतना में है। जिस देश काल परिस्थिति, जिस टाइम एंड स्पेस में हम वहां पर हैं, उसमें वो नहीं है, इसलिए वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पागल के सबकॉन्शियस में जो चल रहा है, तो उसमें भी तो कोई देश काल परिस्थिति और मनोभाव होगा। तो बिना भाव विचार के, सात्विकता के, सत्व के, कोई भी काम अभिनय नहीं हो सकता। तो हम दुनिया वालों को बताते क्यों नहीं है? भरत मुनि ने केवल अपनी नाट्य शैली के लिए सात्व की बात नहीं कहा, अभिनेता से कहा है, याद दिलाया है कि बेटा भाव विचार को लेकर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा खाम खा का। हिमांशु जी, हम अंग संचालन कर रहे, मुद्रा बना रहे, उसके पीछे उसके अनुकूल भाव नहीं तो वो तो केवल व्यायाम हो जाएगा। तो सत्य तो याद रखना ही पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सर प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी जुड़ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, इसलिए सर प्रारंभ में नहीं जुड़ पाए। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आग्रह करूंगा माननीय कुलपति सर से कि अपना आशीर्वाद प्रदान, निश्चित रूप से उसकी हमें जरूरत थी, उसके बगैर हम काम कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जैसा हिमांशु जी ने कहा हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, अभी भी चल रही है, मैं बीच में समय निकाल के आपका स्वागत करने के निमित्त मात्र मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अहो भाग्य, अहो भाग्य। नहीं नहीं, आप जैसे रंगमंच विधा के विशेषज्ञ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे विश्वविद्यालय की जो है सेमिनार श्रृंखला का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और आपने समय लिया, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, प्रोफेसर रंजना टोनपे, डॉक्टर रंजना झा, जो लोग जुड़ी हैं सबके प्रति ये धन्यवाद देता हूं। और आपके व्याख्यान में व्यतिक्रम के लिए मैं पुनः क्षमा याचना करते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जारी रखें। इस व्यतिक्रम की हमें आवश्यकता थी। अरे नहीं, आपसे इस आभासी मंच पर मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और माता रानी की कृपा होगी तो कभी हम लोग रूबरू भी मिलेंगे और आपको हम विश्वविद्यालय में यहाँ आग्रह करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार ललित पोखरिया साहब का। आप कंटिन्यू करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी सर, मैं निवेदन करूंगा। जी ठीक, तो मैं शैली की बात कर रहा था। तो जो ऑब्सलीट बताते हैं भरत मुनि जी को, तो उनसे कहिए कि भैया भारतीय रंगमंच की जो उपादेयता है, समष्टि बेसिकली भाई सर कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। हाँ, तो भाव अभी और मैं इसको थोड़ा सा वो करूंगा। दो अर्थ बताए मैंने सात्विकता के, एक तो साक्षी भाव और दूसरा क्या, भाव और विचार जो अदृश्य तत्व है, जो सत्व है किसी भी अंग संचालन का, गति का या वाचन का, उसके बगैर कैसे होगा? प्राण के बिना शरीर तो पुतला है ना, तरलता के बिना क्या जल जल है, तेज के बिना क्या अग्नि अग्नि है, गति के बिना क्या हवा हवा है, वो तो निर्वात है एक तरह से, विस्तार के बिना क्या आकाश है, धैर्य के बिना क्या धरती है। तो भाव और विचार के बिना कोई अभिव्यक्ति कैसे है, वो भली चित्रकारिता ही क्यों ना। अब उल्टी गंगा क्या बह रही है, चिंता की बात में, रंगमंच की उपादेयता की बात अब मैं कह रहा हूं, साक्षी भावों की पूरी वैश्विक उपादेयता है आज हिमांशु जी। क्यों, चलन क्या चल रहा है, ग्रोटोस्की और स्टैनिस्लॉस्की वो भी ऋषि मुनि है अपने क्षेत्र के, मैं उनको नमन करता हूं बिल्कुल, लेकिन उनकी बात को स्थूल रूप में समझने वाले क्या गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पात्र ही और अभिनेता ही करेक्टर हुआ जा रहा है। यस, अभिनेता क्या कर जा, मतलब मैं दूसरे ढंग से करना चाहता हूं, ये उल्टी बात हो गई, जो पात्र है वो समझने लगे मैं खुद ही ये हूं, मैं पात्र जैसा हूं नहीं कह रहा, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या चलन चल रहा है। एक बार ये छात्रों के लिए रोचक उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का, चेरी ऑर्चर्ड या कोई चेखव जी का नाटक भारतीय रंगमंच की किसी संस्थान में हो रहा था,
या अट्टुकलम नाटक मुझे याद नहीं है, या तलघर, तलघर में बहुत ही जीवन की बहुत ही मतलब जो है रसातल वाली परिस्थितियों में जीने वाले लोग हैं, आधुनिक अभिनेता उसको कर रहा है। तो ये सलाह दी जाती है कि भिखारियों के बीच जाओ, जो फ्रीक लोग होते हैं, खाना बदोश होते हैं, उनके बीच जाओ, वॉच करो वो कैसा करते हैं। जो लोहार है वो बेचारा दिन भर क्या भोगता है भट्टी के बगल में, जाओ वॉच करो और फील करो, ऐसा फील करो। तो हमारा अभिनेता बेचारा क्या करता है, भरत मुनि के साक्षी भाव का ध्यान ही नहीं रखता, वो क्या करता है, सोते जागते उठते बैठते घर में, घर के बाहर या अपने संस्थान में, जहां था वो वही बना रह जाता है, उसी का अभ्यास करता रह जाता है, वो खुद वो हो जाता है, खुद वो हो जाता है। और दिक्कत क्या आती है बच्चों, अगले नाटक में वो इसके प्रभाव से अलग हो ही नहीं पाता है, वो एक सेट फॉर्मेट में सेट हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसने काम साक्षी भाव से नहीं किया है। अब मैं कहता हूं हिमांशु जी, अगर एक नाटक में एक अभिनेता को तीन अभिनय कर तीन पात्र करने पड़ जाए तो वो क्या करेगा? बिल्कुल सही, क्या करेगा वो, कौन से स्टैनिस्लावस्की के कौन से ऑब्जर्वेशन मैजिक इफ है ना, इन सब का उपयोग करके दर दर भटक के फिर क्या करेगा भाई? बिल्कुल सही, कहां तैयार कर पाएगा? तो भैया ठीक है, स्टैनिस्लावस्की कहते हैं तद्रूप हो जाओ और वो आपको अध्ययन की सुविधा के लिए, पात्र की तैयारी के लिए सुविधा के लिए कहते हैं ऑब्जर्व ही करो और चले जाओ देखो। लेकिन हमारा पागल आदमी, फैनेटिक आदमी, यथार्थवाद का फैनेटिक धर्मांध आदमी, वही हो जाता है और कहता है यही परम सत्य है और भरत मुनि आउटडेटेड है, वो ऐसा कहने लग जाता है, मूर्ख अपनी मूर्खता में परम विद्वता वाली बात कह देता अपनी समझ से, वो परम मूर्खता वाली बात होती है। तो बच्चों चाहे नियो रियलिस्टिक प्ले क्यों ना कर रहे हो, मैं भारतीय रंगमंच के उपाध्येता की बात कर रहा हूं, आज का अभिनेता विभिन्न संस्थानों का अभिनेता यथार्थवादी शैली के प्रति बहुत अनुरक्त हो जाता है और वैसा ही करने लगता है, लेकिन वहां भारतीय रंगमंच में जो भरत मुनि बाबा कह गए साक्षी भाव सात्विकता, उसको जीवित रखो, इस भाव को पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है, क्योंकि कभी आप राजा का रोल करेंगे, कभी आप रंग का करेंगे, कभी आप अध्यापक का करेंगे, कभी आप विद्यार्थी का करेंगे, कभी आप चोर का करेंगे, कभी आप दानी का करेंगे। तो भैया जल की तरह तरलता रखो, एक अभिनेता को तीन तरलता की आवश्यकता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूड, तब वो विभिन्न पात्रों का आकार धारण कर सकता है, पात्र माने बर्तन होता है। और फ्लूडिटी की बात कर रहा हूं मैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, अगर आपके व्यक्तित्व के तीन आयामों में फ्लूडिटी आ जाएगी, तरलता आ जाएगी, तो जैसा पात्र होगा वैसा आप रूप ग्रहण कर लेंगे। पात्र जैसे ठस नहीं बन जाइए हमारा, तो ये आप लोगों के द्वारा अपने साथियों में और दूसरे दूसरे लोगों में ये बात फैलाने की है कि भरत मुनि ने जो साक्षी भाव सात्विकता की बात कही है, उसको उसकी आज वैश्विक परिदृश्य में रंगमंच की उपायदेता अपरिहार्य है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए, आपके द्वारा कहे जाने वाली और विस्तारित की जाने वाली बात है। ठीक है, आप कहेंगे हम ठीक है साक्षी भाव तो समझ गए, लेकिन तमाम तरह की मुद्राएं आंगिक वाला मामला है, तो ये तो भारतीय रंगमंच नहीं, यही कहां भारतीय रंगमंच है, ये केवल शास्त्रीय शैली है, ये ही केवल भारतीय रंगमंच थोड़ी है। लोग कंडम करने के चक्कर में केवल उतना मान लेते हैं सत्य परम सत्य जिसके आधार पर वो हमको कंडम कर सके, अरे हम तो उसको परम सत्य मानते ही नहीं, शास्त्रीय एक शैली है, समग्र भारतीय रंगमंच थोड़ी है। उस देश काल परिस्थिति में
उन मुद्राओं के प्रेक्षक भी जानकार होना चाहिए, भरत मुनि कहते हैं प्रेक्षक भी जानकार होना चाहिए। तो उस समय ऐसी सुविधा थी कि प्रेक्षक भी भरतनाट्यम के माध्यम से, अंगों के संचालन के माध्यम से, मांसपेशियों के संचालन के माध्यम से, उंगलियों और हाथों की मुद्राओं के माध्यम से, शारीरिक विन्यास के माध्यम से क्या भाव निकलना है ये प्रेक्षक जानता था और वो जान लेता था। लेकिन इतना जानना जरूरी नहीं है आज भी। क्यों? क्या शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए शास्त्रीय संगीतज्ञ होना जरूरी है? मैं आठ साल का कोर्स करूंगा तब किसी शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम देखने जाऊंगा, सुनने जाऊंगा? अरे अगर मैं मनुष्य हूं, उसमें मानवीय संवेदना है, रस ग्राह्यता है, तो कोई भी राग बज रही हो वो रस मेरे भीतर पैदा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से भरत मुनि के अंग संचालन में कोई भी मुद्रा बन रही हो उसके साथ उसकी मुखाकृति भी तो होगी, वाचिक विन्यास भी तो होगा। अगर हम सचेतन हैं, संवेदनशील हैं और हमारी ग्रहण शक्ति एक मनुष्य के स्तर पर भी, सामान्य मनुष्य के स्तर पर भी है, तो उसका प्रभाव हमारे भीतर आ जाएगा बिना पढ़े कि पताका मुद्रा क्या होती है, मृग दिखाना है तो क्या दिखाया जाएगा, और शेर दिखाना है तो क्या दिखाया जाएगा, सांप दिखाया जाना तो क्या दिखाया जाएगा। अरे अभिनेता समग्र अनुभव कर रहा है, समग्र अभिव्यक्ति कर रहा है, केवल वो मेरे हाथ की मुद्रा देखो नहीं कह रहा, हिरन देखने के लिए वो उसमें बॉडी भी तो बना रहा है, कुलांचन तो भी भर रहा है, भाई संगीत भी तो आ रहा है, तो हम कितने जड़मती हैं कि नहीं समझ पाएंगे कि ये हिरन है? और प्रसंग भी होगा, विवरण भी होगा, तो इसमें कौन सी कठिनता, कौन सी मतलब जो है ऑब्सोलीटनेस है इसमें? कुछ नहीं है। अगर आपकी विषय वस्तु और नाटक की संरचना वैसी है तो करिए, करते नहीं है क्या लोग? हमारे रतन थियम जी, उन्होंने शास्त्रीय गतियों को और मणिपुर के मार्शल आर्ट का एक बहुत बढ़िया रचनात्मक समन्वय बनाकर विदेशों में मतलब भारतीय रंगमंच के झंडे गाड़े हैं। कर्णभार, उर्भंग, ऐसे ऐसे शास्त्रीय नाटक मणिपुरी भाषा में और शास्त्रीय अंग विन्यास और मणिपुरी जो आपका मार्शल आर्ट है उसको अभिव्यक्ति का तत्व बनाकर पूरे विश्व में भ्रमण किया, अमेरिका, जापान, और उन लोगों ने वाहवाही करी है। और हम कहते हैं अरे हम तो आउटडेटेड हो गए भाई, कब तक ये चलेगा, जरा रियलिस्टिक प्ले किया जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। रंगमंच जैसे ब्रह्मांड है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो भरत मुनि कह चुके हैं। वैसे ही आप अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर, अलग अलग कथानक और संरचना के आधार पर शैली का चयन करेंगे। अब वो लोक शैली हो, चाहे वो ब्रैक्टियन शैली हो, चाहे शास्त्रीय शैली हो, साक्षी भाव तो रखोगे ही। जो भरत मुनि अंतिम सत्य बता गए, बहुत पहले वो अंतिम सत्य बता के गए हैं। तो आप जरा अपने साथियों को, अपने परिचितों को जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उनको भरत मुनि या हमारे भारतीय रंगमंच का ये जो तत्व है इसको सार्वजनिक बनाइए, सार्वभौमिक बनाइए, सार्वकालिक बनाइए। अभी और बात आती है, आप कहेंगे ठीक है आप तो कुछ उन्हीं उदाहरणों को ले रहे, थोड़ा लोक वाला भी उदाहरण ले लीजिए, फिर रियलिस्टिक का लेते हैं। लोक में भी तो देखिए विषय वस्तु क्या है, चाहे वो नौटंकी हो, चाहे वो माच हो, चाहे आसाम का अंकिया नाट हो, बंगाल का यात्रा हो। हाँ, ये लोग कॉमर्शियलाइजेशन के चक्कर में विकृत जरूर हो रहे हैं। हिमांशु जी, यात्रा का तो स्वरूप ही पता नहीं क्या हो, बिल्कुल बदल गया। लेकिन दक्षिण में देखिए यक्षगान, मद्रास का तेरुगुत्तु, कुडियाट्टम, कथकली, वो देखिए क्या वो रोचक नहीं है, क्या वो सुग्राह्य नहीं है, क्या वो संप्रेषणीय नहीं है? कला सार्वभौमिक होती है। एक बार मैंने कहीं कहा था नहीं, कला को समसामयिक होना चाहिए, कंटेम्परेरी। मैं कहता हूं इसको सार्वकालिक बनाइए तो कंटेम्परेरी तो होगा ही होगा। वाह वाह, क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है, मानवीय चेतना, भाव विचार, ये अनंत है, ये सार्वकालिक है। जो हजार साल पहले व्यक्ति हुआ था
प्यास की जो छटपटाहट उसको भी वैसी ही लगती थी, आने वाले करोड़ों सालों बाद भी प्यास की छटपटाहट वैसी ही होगी भीतर, ठीक है ना। चोट लगेगी वैसा ही दर्द होगा। मेरे सामने कोई जीव तड़प रहा है, मेरे भीतर करुणा वैसी उत्पन्न होगी। मनुष्य हो ना, मनुष्य 1000 साल भी पहले था, करोड़ों साल बाद भी होगा, 2000 साल पहले भी था। तो ये चेतना तो सार्वभौमिक है भाई, हमें चेतना का परिचय कराना है, नाटक के स्थूल भौतिक चाक्षुष तत्वों का परिचय नहीं कराना है। नाटक में साकार वस्तु कैसी होती है ये दिखाने का काम नहीं नाटक का। नाटक का काम है निराकार को साकार में बदलना। बहुत निराकार क्या होता है? भाव और विचार होता है, विचार होता है। उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है। उसको दृश्यमान हम कहां बनाते हैं? अभिनय में, गतिमान दृश्य में बदलते हैं। मांसपेशियों से भाव गति कर रहा होता है, विचार गति कर रहा होता है, गति करना यानी घटित हो रहा होता है हमारे अंग संचालन में। तो अंततः क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है। क्या करते हैं बच्चों, इसको चाहे आप लोग नोट कर लीजिए, टेक्स्ट में जो अदृश्य भाव विचार है उसको अभिनेता के कौशल आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के माध्यम से हम गतिमान दृश्य में बदलते हैं, और उस गतिमान दृश्य को देखकर जो भाव और विचार की तरंगें उत्पन्न होती हैं वो ट्रेवल करती हैं अदृश्य रूप में दर्शक के दिलो दिमाग तक, आंखों के माध्यम से उसके दिलो दिमाग तक जाती हैं और उसकी रस निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति दृश्य से नहीं होती है, भाव से होती है, उसके कलात्मक बोध से होती है। तो ये रस परिपाक हमारे भारतीय नाट्य शास्त्र में है कि नहीं? अगर हम अभिनय की विवेचना करें, अभिनय और नाटक के पर्पज की विवेचना करें, उसकी प्रक्रिया, उसकी साइकोलॉजिकल फिनोमेना की बात करें, तो ये बातें सार्वभौमिक हैं कि नहीं जो मैं बात कर रहा हूं? और ये भारतीय रंगमंच हमें बताता है, याद दिलाता है, तो इसकी वैश्विक उपादेयता है कि नहीं है? हमें इस विचार, इस हिसाब से भी, इस दृष्टिकोण भी से भी सोचना चाहिए। हमारे भारतीय रंगमंच का केवल दृश्यमान स्वरूप ही नहीं, बल्कि वो किस रस और भाव, मानव जीवन और प्रकृति से जुड़े हुए किस रस भाव और विचार की विवेचना करता है, और अभिनय कौशल के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक तत्वों की विवेचना करता है, उसको संप्रेषित करना है। और ये पूरी दुनिया में अभिनय जब हम करेंगे, कहीं भी करें, जापान वाले करें, अमेरिका वाले करें, इंग्लैंड वाले करें, क्या इससे वो अपने आप को अलग कर सकते हैं? तो मेरा तो कहना है, चाहे ग्रोटोस्की का नाट्य स्वरूप हो, का नाट्य स्वरूप हो, जापान का नोह काबुकी हो, ब्रैक्स हो, या तेरू कुत्तू हो, अंकिया नाट हो, कश्मीर का भाण पाथर हो, भमई हो, ख्याल कुचामणी हो, तमाशा हो, माज हो, कहीं भी हो, आत्मा तो एक ही होगी, और इसकी याद और कोई नहीं दिला रहा, भारतीय रंगमंच दिला रहा है। हमको खोजना होगा, भारतीय रंगमंच के दार्शनिक कलात्मक सिद्धांत इसकी याद दिला रहे हैं। इवन तो मेरा कहने का मतलब यह है, शैली एक मतलब शास्त्रीय शैली है, एक लोक शैली है। अब मैं लोक शैली का नाम ले रहा था, वो भी लोक शैली में भी तो विषय वस्तु, मानव जीवन, समाज और मानवता के हित में जो उपयोगी और नैतिक है उसी की स्थापना की बात करते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही भरपूर हास्य में करते होंगे जैसे तमाशा है, थोड़ा थोड़ा लोक तत्व में कहीं ना कहीं एक अश्लीलता का भी पुट होता है, क्षणिक होता है, लेकिन वो जो बात ले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानवीय उपयोग की और मानवीय मेधा और चेतना के स्तर को आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए और उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करने के लिए तो होता है। पश्चिम के एब्सर्ड थिएटर की तरह अवसाद में धकेलने के लिए तो नहीं होता है। पश्चिम अच्छा भी थिएटर है, उनके कौशल की हम बराबरी भले ना कर पाए,
उनकी साइंटिफिकली जो साइंटिफिक सिस्टमैटिक और पिन पॉइंट फोकस जो होता है उनके प्रेजेंटेशन में, उसकी बराबरी हम नहीं कर पाए क्योंकि हम अतकचरे हो गए। भरत मुनि के समय में होता था, लेकिन उनकी विषय वस्तु उतनी उपयोगी तो बिल्कुल नहीं है। जानने के लिए जरूर हो सकती है, मानवीय उत्थान के लिए नहीं। क्यों? वहां का एक से विचारशील दार्शनिक नाटककार भी जीवन के भीतरी ऐसे झंझावातों को लिखता है जो व्यक्ति की वैयक्तिक आंतरिक संघर्ष की और कहीं ना पहुंच पाने की नियति की बात करता है अधिकतर, या फिर मानव मनुष्य और समाज की जो चित्त वृत्तियां हैं उन्हीं के उहापोह जंगल में सुकून और शांति खोजने की बात करता है, जैसे चेखव का सीगल करता है, चिड़ी ऑर्चर्ड करता है, या फिर जो निरर्था की घुटन में मजबूर होकर दिशाहीन शून्य महसूस करने की विवशता सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो करता है। भारतीय रंगमंच ऐसा नहीं करता। भारतीय रंगमंच भले लोक हो या शास्त्रीय हो, आधुनिक की बात अभी नहीं करूंगा क्यों आधुनिक में हम थोड़ा भटक रहे हैं, ये सब मानवीय रस परिपाक की बात करते हैं, रसानुभूति की बात कराते हैं। रसानुभूति जब होती है हमारी चेतना का भीतरी मेधा का आरोहण होता है, हम विकसित होते हैं, हमारा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ही हमारे सारे वांग्मय का, सारे साहित्य का, सारी कला विधाओं का, सारे धार्मिक सांस्कृतिक दैनिक आचार विचार का लक्ष्य रहा है। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, हम पौधों को पानी देते हैं, तुलसी को ये करते हैं, जीवों को खाना खिलाते हैं और भी तमाम सारी बातें, ठीक है ना। तो विषय वस्तु और शैली के माध्यम से भी ये बात रहती है, लेकिन हमें अब कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ रही है ये बात करनी। हमारा भारतीय रंगमंच का ऐसा क्या तत्व है जो वैश्विक जिसकी उपादेयता है, इसकी हमने बात करी, लेकिन व्यवधान बाहरी नहीं, हमारे व्यवधान कहां आ रहे भीतरी, कुछ का तो मैंने संकेत दिया था। ये हमारे हम लोगों को समझ, सारे रंगकर्मियों को समग्रता में सोचने की जरूरत है और उसकी तरफ रुझान पैदा कराने करने कराने की जरूरत है। जो भी बच्चे रंगमंच में आ रहे हैं आजकल या संस्थानों में जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हिमांशु जी जो एमेच्योर थिएटर में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ से शायद वेब सीरीज का समृद्धि और ग्लैमर से भरे जीवन का रास्ता खुलता है। बिल्कुल। और बड़े बड़े संस्थानों की भी परिणति यही तो हो गई है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, 20 की कैपेसिटी है, 26 की कैपेसिटी है और हर साल निकलते हैं इतने, और फिर बाद में निकले हुए उनका अता पता लगाइए वो कहां जाते हैं। तो उनके जीवन का उद्देश्य वो नहीं रह गया जो भारतीय रंगमंच का उद्देश्य है। वैश्विक उपादेयता है, ये लोग निजी जीवन की परिधि में, परिधि की आकांक्षाओं अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं की लिप्सा में प्रसिद्धि ग्लैमर ऐशो आराम सुख वैभव और चाक्षुष वैभव और पदार्थिक सुख के मतलब जो है कुंड में बैठने के लिए का लक्ष्य लेकर वहां जा रहे हैं, है ना। तो ये एक बड़ी जैसे पूरा समूह का समूह चला जा रहा है, समूह का समूह चला जा रहा है। और केवल संस्थानों में जब ऐसा हो रहा तो फिर अमेश्वर की हम बात क्या करें। चलो ठीक है भाई जाओ कहीं जाओ, हम नहीं कहते, लेकिन बात क्या है, जब वो 3 महीने की वर्कशॉप करने या 1 महीने की वर्कशॉप करने या राजा मानसिंह तोमर जैसे विश्वविद्यालय में नाट्य कला में स्नातक करने, परास्नातक करने या शोध करने आते हैं, भैया एज ह्यूमन बीइंग आपकी जीवन दृष्टि क्या है पहले तो ये तय करिए। बिल्कुल सही। और एज ह्यूमन बीइंग आपकी जीवन दृष्टि और कला के बीच में क्या तारतम्य है, क्या समन्वय है वैचारिक और भावनात्मक, इसको तय करिए। अपने निजी लिप्साओं और भौतिक चकाचौंध की अभिलाषा के चक्कर में
आप इस महानतम कला का डिग्रेशन मत करिए, उसको अपने लेवल पर नीचे मत लाइए। नीचे लेवल पर लाने का क्या मतलब है कि उसको वो अपने जीव अपनी लिप्साओं को पूरा करने का साधन मानना, केवल केवल कह रहा हूं मैं, मानो साधन, केवल वो साधन मानना। आपने भारतीय रंगमंच के साथ, उसकी अवधारणा के साथ, उसकी वैश्विक मानवीय उपादेयता के साथ अनाचार कर दिया। अगर आप इस रूप में प्रवेश ले रहे हैं तो बाकी बातें आप लोग सब किताबों में से पढ़ सकते हैं। मैं वो बातें कर रहा हूं जो प्राण रूप में है, जो हमारे सबकॉन्शियस में है, जिनसे हमारे मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमारे प्रयास होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो भीतर का विचार बदलिए, जीवन दृष्टि बदलिए, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र की महानता, उसकी श्रेष्ठता, मानव जीवन और सृष्टि के हित में उसकी उपायदेयता, उसके ग्रेडिंग को पहचानिए। आप भले ही सोने के आप मतलब सोना जो एक रत्न है उससे अपनी चाबी का छल्ला भले ही बना लीजिए, लेकिन सोने की महत्ता जो है, सोने की महत्ता क्या है? शुद्धता। सोना शुद्ध होता है, उसकी पाकीजगी को कि अवमानना मत करिए, बना लीजिए अपना छल्ला, लेकिन उसकी वो जो स्तर है सोना, कीमती होना अलग बात है। कीमती इसलिए नहीं कि कोई उसकी नथ बना लेता है, कोई अपना गलगुटी बना लेता, नहीं, सोना कीमती है शुद्धता के लिए, ठीक है। तो इसी तरह जो महत्व सोने का है रत्नों में, हम भले कुछ बना लें, छल्ला बना लें, लेकिन ये ठीक वैसे हम भले ही बंबई की वेब सीरीज में, गाली देने वाली वेब सीरीज में काम कर लें क्योंकि हमें 4,000 रुपये पर एपिसोड मिल रहा है, तो भैया इससे होगा क्या? उसकी अवमानना होगी उसकी श्रेष्ठता को। और उसी बीच में अगर आपके जीवन संघर्ष के लिए जरूरी है तो आपका धर्म बनता है, नैतिकता बनती है कि क्योंकि आप वहां से सीख कर आए कि उसकी श्रेष्ठता को, उसकी उपयोगिता को अपनी चेतना में जिंदा रखें, जब आपको सुविधा हो, जब आपको अवसर मिले उसको प्रसारित प्रचारित करें। ये हो सकता है आप लोगों को बुरा लग रहा, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं कि मेरा सामना ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको एनएसडी जाना है, भारत नाट्य अकादमी जाना है, मार्गदर्शन चाहते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं कि सर ऐसा वो वेब सीरीज में काम मिला, उन्होंने कहा कुछ सीख के आ जाओ, तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं सर कुछ टिप्स दे दीजिए। मैंने कहा बेटा ये आग में तपने की, सतत आग में तपने की साधना है, ये टिप्स वाला मामला है, मेरे से सद नहीं पाएगा, मैं टिप्स नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे आप लोगों से ऐसे लोगों का सामना होता होगा, है ना। तो अपनी मानसिकता खुद भी बदलिएगा और दूसरों की मानसिकता को शुद्ध भी करिएगा। केवल अपना नाटक करके नहीं, आज चौतरफे आयामों को हमने अपनाना पड़ेगा, लिख कर, अध्ययन के द्वारा, अध्ययन से जो ज्ञान अर्जित हुआ उसके ज्ञान के आधार पर जो हम अभिनय कर रहे हैं, निर्देशन करने वाले हैं, या नाटक लिखने वाले हैं, या शोध करने वाले हैं, है ना, इन सब में भी और जन संपर्क में भी, ये जो नाटक हमारे भारतीय रंगमंच की वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक उपादेयता है उसका प्रचार प्रसार, आपने आज के युग की मांग है कि इन सारे आयामों को, चैनल्स को हम खुला रखें इसके लिए। अब हिमांशु जी लगभग क्या समय हो रहा है? हाँ सर लगभग 2:30 बजे, 2:25 हो गए सर। 2:25 हो गए हैं, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई और बालक कुछ कहना सर, हमारे बीच उत्तर भारत में भरतनाट्यम विधा को एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह बढ़ाने वाले परम सम्मानीय प्रेमचंद होमबल गुरुजी भी जुड़े हुए हैं। अरे नमन नमन नमन, प्रणाम करता हूँ। नमन नमन आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत सुंदर बोला, धन्यवाद। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूंगा,
जी आपने शास्त्रीय की बात की, नाट्य शास्त्र में शास्त्रीयता की बात की, वहां हाँ पर वो दो अभिनय और जोड़ते हैं, वो है सामान्य अभिनय और हाँ अभिनय। तो ये अभिनय लोक के लिए ही था, जी 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 लोक में जी जो जी व्याप्त था उसके लिए था। मैं यही बात जी करता हूँ, आपने बहुत सुंदर बात कही कि रंगमंच रंगमंच के लिए है और रंगमंच में चिंतन आवश्यक है, और ये चिंतन यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो हम विश्व को कुछ नहीं दे पाएंगे। आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं इस मामले में। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो मैं ये चाह रहा सर, अगर कुछ बच्चों के मन में सवाल हो या जिज्ञासा हो उस पर अब चर्चा कर ली जाए, क्योंकि विषय को आपने बहुत विस्तार से रखा। चलो पता नहीं कैसा हुआ, मैं नहीं जानता, विजुअल देख रहा था, बच्चे कुछ तालियां भी बजा रहे थे। अरे नहीं थी लेकिन वो दिख रही थी। तो आपके मन में कुछ सवाल हो बच्चे इस विषय को लेकर, इस कंटेंट को लेकर, तो पूछ सकते हैं प्लीज। चेतन कोई सवाल है? क्या चैतन्य आठले हैं ये? चेतन आठले है सर, ये इंदौर के, ये अरे ये नहीं नहीं सर, चैतन्य आठले नहीं हूँ, चैतन्य शाह हूँ। चेतन शाह है? अच्छा चेतन शाह, अच्छा गुड गुड, चेतन आठले वहाँ पे है। हाँ जी जी, तो चैतन्य जी बताइए फिर। नहीं सर सवाल तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने वैसे ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं, और जी हमारे जी परम श्रद्धेय गुरु जी हिमांशु जी भी मतलब सामान्यतः देखा जाए तो दिन प्रतिदिन में भी कहीं ना कहीं ये बात बोलते ही हैं कि शास्त्रीय हाँ। जो नाट्य शास्त्र है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, चाहे फिर वो पश्चिम हो या कहीं और हो। तो जी आपने जी बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की हैं और बहुत अच्छे से आपने इलोबरेट करके उसे बताया है। तो जो साक्षी भाव की बात आपने की है वो उसके उसके संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो भी हमारे अभी इस मंच से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, जो यहाँ से छात्र निकलेंगे या मैं भी निकलूंगा या जो भी है, तो ये जो आपने कहा है साक्षी भाव वाली बात, ये मैं भी चिंतन करता हूँ। तो आज के युवा में और आज के जो भी सीखने वाले शोधार्थी भी कहें या जो भी प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको चिंतन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितना भी अभी आपने वक्तव्य दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज हमने एक गोष्ठी रखी थी, आज हमने परिचर्चा रखी थी, उस पर हमने बहुत अच्छे रूप से उसमें भाग लिया, सुना और उसे भूल गए। आवश्यकता सिर्फ ये है कि इस पर हमें अमल करना चाहिए और इस पर चिंतन हमेशा होना चाहिए। जो आपने अपना चिंतन दिया ये हमारे लिए जानकारी है, और मैं सभी लोगों से ये निवेदन यही करूंगा कि इस जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी अब हमारी है और उसे फिर आगे फैलाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आपने बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया है और सभी सुधी दर्शक थे, बहुत अच्छी तरह से सुना भी, और बहुत सारे मेरे ख्याल से चक्षु खुले होंगे बहुत सारे लोगों के, खास करके जो स्तनस्लवासकी के पीछे भागते हैं। मैं भी मतलब उनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जो आप तीन अभिनय जब आपने कहा कि तीन अगर आपको चरित्र निभाने होंगे तब स्तनस्लवासकी को कहां से और कैसे वो आप उसको अभिनीत करेंगे या किस तरह से करेंगे, वो वाकई में मतलब सोचनीय है और विचारणीय है कि भरत मुनि जो कह गए हैं, जो ऑब्सोलेट होने की आपने बात करी कि आप तो निश्चित रूप से मतलब सवाल तो मेरे ख्याल से मेरा तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें इतनी विस्तृत की हैं और हम हिमांशु जी से भी सर से सीखते ही रहते हैं कि और किस तरह से हम उसको आगे बढ़े। तो ये मतलब मैं तो मतलब आप नतमस्तक हूँ और इसके प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी तो मैं आपके सामने ये वचन देता हूँ कि मैं इसे निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और फैलाऊंगा और इस पर चिंतन और अवश्य करूंगा, गहरा चिंतन करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी, मुझसे जो छूट गया था वो आपने पूरा कर दिया। धन्यवाद। सर हमारे विद्यार्थी हैं लेकिन बहुत सीनियर कलाकार हैं, इंदौर में बहुत बढ़िया रंगकर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थी। अच्छा, अभी हम लोग एक हॉल में ही स्टूडियो थिएटर का भी निर्माण कर रहे हैं, तो न केवल रंगकर्म बल्कि पूरा डिजाइन और पेंट चेतन ने ही किया है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात। और मुझे सवाल दो स्थितियों में नहीं आते, या तो कुछ समझ नहीं आए या फिर सारी अवधारणा क्लियर हो। मुझे लगता है जो दूसरी अवधारणा है वो क्लियर है, क्योंकि आपने चलिए चुना जो गया कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे
मनोज शर्मा भाई साहब भी जुड़ गए हैं, जो बहुत बड़े अच्छा ग्वालियर के, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, मेरी तरफ से भी स्वागत है आपका मनोज जी। और कोई सवाल हो या फिर हम इसको वाइंड अप करें? जी नवील जी पूछना चाहती हैं, ग्वालियर के बहुत प्रख्यात रंगकर्मी हैं। जी नवील जी गैरी जी। सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। मैं कहते हैं ना कि डॉक्टर दो तरीके के होते हैं, एक डॉक्टर होता है जो पढ़ के आता है और एक डॉक्टर होता है जो देख के डॉक्टरी करने लगता है और झूला छाप डॉक्टर बनता है। तो मैं सर पिछले 25 साल से झूला छाप डॉक्टर हूँ अभी तक। और मैं एक मिनट में रोकूंगा, कभी कभी करके आने वाला पढ़े में से कई गुना ज्यादा सही और जानकार। सर ये सर आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। मैं सर पहले तो मैं इसी बात से खुश हो गया कि लखनऊ वाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लखनऊ का हूँ। अरे वाह। अरे क्या मैं डालीगंज में मेरा ननिहाल है और अच्छा कैसर बाग में तो जब कभी आना हो तो सूचना दीजिएगा। बिल्कुल सर। मेरा सवाल सर ये था कि मैं ज्यादातर युवाओं के साथ काम करता हूँ जी, और युवाओं के साथ अक्सर जब हम पुराने नाटकों को लेके चलते हैं तो उनको ये समझाना कि नाटक जो है जब लिखा जाता है तो वो कायदेई होता है जी, उसको जी। अगर हम एक का गधा ले लें या आधे अधूरे ले लें या हम कोई भी पुराना नाटक उठाएं और उसको आज के समावेश में हम करने की कोशिश करें तो लगभग लगभग 90-95% वो नाटक जो है वो कायदेई होता है और समकालीन होता है। बिल्कुल सही बात। मैं ये जानना चाहता था कि कभी कभी हमारी ऑडियंस के हिसाब से या हमारे सामाजिक जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके हिसाब से नाटकों में की स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना कहाँ तक मूल्यवान है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। क्योंकि अभी जैसे एक नाटक मैंने पढ़ा जिसका नाम था जाने मन, जो मच्छिंद्र मोदी जी। हाँ जी जी। उसमें अब कई जगह हिंदू मुसलमान की बात हुई थी, लेकिन अब देश का माहौल ऐसा है कि हम सार्वजनिक रूप से इन सब चीजों पर बातचीत नहीं कर सकते। तो एक रंगकर्मी के रूप में अगर मैं ऐसे नाटकों में कुछ बदलाव करता हूँ तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि क्या नाटकों को समकालीन कर सकते हैं, क्या हम दर्शकों के हिसाब से और जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक माहौल है, उसके हिसाब से उनमें बदलाव करना किस हद तक सही होगा? हो सकता है कि मेरा सवाल आपको बहुत बेवकूफाना लग रहा हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ। हाँ मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं, मेरी इसमें क्या राय है राय की बात कर रहा हूं। जी, जी। अगर हमारे पास लेखक उपलब्ध है, पहला राय मशवरा उससे होना चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है, क्या हम ऐसा करें? ठीक है, अगर वो कहता नहीं जी जो है उसी को आप पूरी गहराई से और पूरा मतलब सच्चाई के साथ पोर्ट्रेल देके करें, उसमें जोड़िए मत, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि उसमें कुछ ना करें या फिर वो नाटक हम ना करें। अगर हमें लगता है नहीं इसको बदले बगैर ठीक नहीं तो हम ना करें उसको, ठीक है। लेकिन जहां तक बात आती बदले समय के हिसाब से नाटकों में लोग परिवर्तन करते आ रहे हैं, रूपांतर कुछ एडिशन कुछ डिडक्शन करते आ रहे हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, एक एथिकल शर्त है कि नाटक का जो बेसिक जो चरित्र है, जो बेसिक जो संदेश है, वो उसमें व्यतिक्रम ना आए, उसमें एडिशन हो जाए, उसमें नए कालखंड की बात उसमें जुड़ जाए, लेकिन जो मूल रूप से जो उसका जो कथ्य है उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं आए, ये मेरी अपनी राय है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, नए समाज की चेतना के हिसाब से दर्शकों के हिसाब से चीजों में बदलाव लाने की सोची जा सकती है, लेकिन जो दर्शक वर्ग बैठा हुआ है उसमें सबके सब एक जैसे नहीं होते, है ना। तो हमारा जो केंद्र फोकस होना चाहिए वो अपने विचार के प्रति होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं,
और उसमें पूरे कलात्मक सौष्ठव और संवेदना के साथ और वैचारिक गहराई के साथ उसको पोर्ट्रेल देना चाहिए। सारे दर्शकों की संतुष्टि के लिए हम काम कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए दर्शकों की समझ के लिए इतना ही करना चाहिए कि उनको सरलता से समझ में आ जाए। इसके लिए जो तब्दीली करनी है, इसके लिए और कुछ जो सुधार करना है, एड ऑन करना है, वो तो किया जाए कि उनके लिए वो क्लिष्ट ना हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं शेक्सपियर के अनुवादों की, रांगे राघव जी ने जो अनुवाद किए हैं वो आज के युग में क्या आज से 25 साल पहले भी लोगों के लिए सुग्राह्य नहीं थे? इसलिए रांगे राघव जी बड़े ही बहुत बड़े साहित्यकार रहे हों और अलंकारों के और काव्य सौष्ठव के बहुत बड़े कुशल चितेरे रहे हों, लेकिन उनका अनुवाद सुग्राह्य संप्रेषणीय नहीं होता। तो ऐसा कोई नाटक आप कर रहे हैं तो भाई उसमें आपको शैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है, भाषा में परिवर्तन करना पड़ सकता है, जटिल अगर सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको सरल सहज बनाना पड़ सकता है, ये तो हो सकता है। ये मेरे विचार हैं, मैं इनको कोई नियम तो है या कोई एस्थेटिकल एस्थेटिक सिद्धांत बना के नहीं कह रहा। नहीं सर, मुझे लगता है कि आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि एस्थेटिकल सिद्धांत जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हमारे दर्शक, जो आपने एक बात कही ना शुरू में सबसे जरूरी थी कि विषय वस्तु, हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब तक वो मेंटेन्ड है, मुझे लगता है जो आपने कहा वहां तक हमारे पास ये छूट है कि हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत बहुत। लखनऊ आना हो तो बताइएगा जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक्चुअली मैं आपसे निवेदन ये चाह रहा था कि आप कार्यक्रम को यहीं विराम दें, क्योंकि हमारी थोड़ी मजबूरी है और चूंकि प्रोग्राम और लगा हुआ है, लेकिन सुनने की और आपको आपसे पढ़ने की इन बच्चों की जिज्ञासा जो है वो बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। हम तो ये प्रयास करेंगे कि अब आपको साक्षात रूप में ग्वालियर में लाएं, यहाँ उन बच्चों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मुझे दो लाइनें याद आ रही यहाँ पर कि बेवफा बावफा नहीं होता, खत्म ये सिलसिला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हम तो आपको सुनना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बात है, सवाल है, क्या बात है। निश्चित रूप से आज का ये जो व्याख्यान है और विषय है उसको आपने बहुत चरितार्थ किया, बहुत अद्भुत ढंग से और बहुत सरलीकृत ढंग से हम सभी को वो रास्ता दिखाया, क्योंकि सच में मुझे भी जब ये विषय आया तो बहुत जटिल, और क्योंकि इस पर बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी वेदनाएं हैं, मनोवृत्तियां भी हैं, लोगों के बड़े अपने अपने विचार हैं, इन सभी को संतुलित करते हुए आपने जो एक सूत्र की तरह रखा है वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत लाभदायक है। मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार एवं नाट्य एवं रंगमंच संकाय के परिवार की तरफ से आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपनी कीमती समय से हम सभी के लिए वक्त निकाला, आपका पुनः पुनः धन्यवाद सर, और पुनः आपको विश्व रंगमंच दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे नवील भाई हो, मनुष भाई साहब हो, अशोक आनंद भाई साहब हो, ग्वालियर के वरिष्ठ प्रबुद्ध रंगकर्मीगण, प्यारे छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यों, और अंत में विशेष रूप से इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा है प्रोफेसर रंजना टोडपे मैम, और इसकी जो सचिव है डॉक्टर अंजना झा मैम, और अंत में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित कुमार नाहर जी एवं कुल सचिव श्री दिनेश पाठक जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिमांशु भाई।